वार्ड नंबर 36 के पार्षद सहित रहवासियों ने अतिक्रमण को हटाने कलेक्टर से लगाई गुहार। शिवपुरी के वार्ड नंबर 36 द्वारकापुरी कॉलोनी के रहवासियों ने आज कलेक्टर से अतिक्रमण को हटाने की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 36 के पार्षद महेश एमडी गुर्जर ने बताया कि संबेल चौराहे पर संबेल की जो भूमि है उनको एक गुमटी रखकर अतिक्रमण कर लिया गया है। वह कल मैंने उसको समझाइश दी तो उसने रातों रात पक्की दीवार खड़ी कर दी, जिसकी शिकायत लेकर आज रहवासियों के साथ पार्षद कलेक्टर सभागार में जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई। वहीं उन्होंने बताया कि पास में एक कलारी है जिसके पास में एक होटल बन रहा है। कलारी होने के वजह से मांस मदिरा का सेवन किया जाएगा, इस कारण रहवासी परेशान है और महिलाओं को आने जाने में भी समस्या होती है। मेरा नाम महेश सिंह एमडी गुर्जर है, वार्ड क्रमांक 36 का पार्षद हूँ। मेरे वार्ड क्रमांक के चौराहे पर एक गुमटी लगा के कब्जा किया गया पहले। अब कल मैं समझाइश देने गया तो एक पक्का कच्चा मकान टपैया बना के रातों रात उनने दीवार खड़ी कर ली पक्की, उसकी दीवार जो था और संबेल की सरकारी जमीन है वो। आपने क्या शिकायत की? मैंने शिकायत की उसको हटवाया जाए और जो संबेल की जगह उसको खाली कराई जाए। तो और किस तरह की परेशानी नागरिकों को? और नागरिकों को ये समस्या है कि वहाँ एक होटल बनने जा रहा है, शायद वो बताने जा रहे हैं कि वो मुर्गा का किचन जो भी है, तो लोगों को परेशानी होने के उनके कारण वो उसको आवेदन देने आया हटवाने के लिए। वहाँ कलारी है तो कलारी के कारण वहाँ लोग शाम को 8 बजे के बाद दारू पी के वहाँ चालू हो जाते हैं और महिला आने जाने में बच्चों को पढ़ने आने में जान परेशानी होती है बस। तो ये तो काफ़ी समय से वहाँ शराबी दुकान खुली है, आपने पहले इसकी शिकायत की? मैं पहले पार्षद नहीं था, अभी पार्षद बना हूँ। पार्षद बनने के बाद मेरे एक फर्ज बनता है कि मैं इस समस्या को लेकर कलेक्टर साहब संज्ञान में लाऊँ। नगर पालिका हूँ, मैंने आवेदन दिया है और उनने क्या है उनका कहना था कि आप एक बार कलेक्टर साहब को और आवेदन दो, तो मैं कलेक्टर साहब को आवेदन देने आ गया हूँ। कलेक्टर साहब ने बोला जल्दी कार्रवाई करेंगे। हाँ,